मन नू सामने रख के अपने विचारां नू अपनी सोचनी नू अपनी यादां नू जो देखे साहिब कहिंदे ने गुरमुख है। एहो मन आरसी कोई गुरमुख देखे, कोई विरला गुरमुख है। और जो ऐसा देखेगा उन्हों दिस पाएगा मन विच की चलता है, और उन्हों एकदम एहसास हो जाएगा कि परमात्मा वेखदा है। भाई साहब भाई गुरुदास जी कहिंदे ने अंतर जामी सुन कंपत हूं अंतरगत, हे प्रभु मैनू कंबड़ी छिड़ जांदी है, हे गुरु मैं ते कंब उठदा जद मैं ये सुनदा, ते जद मैनू ये पता चलदा है कि तू ये भी वेख लैंदा कि अंदर विचार की चलदे ने, मैं सोचदा की पिया, मैं किसनू याद कर रहा, ते जद मैनू पता चलदा है कि तेरी इत्थे तक पहुँच है, तू अंतरयामी है, अंदर दी गल जानदा, तू अंतर दा ज्ञाता है, बाहरों कोई की कर रहा है ये ते तू वेखदा है, पर अंदरों कोई की सोच रहा है तू ये भी वेखदा है। भाई साहब कहते हैं अंतर जामी सुन कंपत हूं अंतरगत, पतत पावन सुन आसरो उरधार हूं। एक सूत्र है कि जो अपना मन वेखदा उसके अंदर एकदम एहसास होवेगा परमात्मा वेखदा है, देख रहा मेरी सोचनी, देख रहा मेरे विचार। ऐसा मनुख मन के तल से संजम रखेगा, दूसरा नहीं रख सकता, क्योंकि मन तक समाज की पहुँच नहीं है, मन तक कानून की पहुँच भी नहीं। मैं मन नाल चोरी करा पुलिस नहीं पकड़ सकती, कोई मन नाल कतल करे कानून के कच जो है कटहरे च नहीं खड़ा किया जा सकता, कोई मन नाल किसी दे घर नू अग लावे सोचे उन्हों अदालत दे च नहीं खड़ा किया जा सकता, हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकती, उन्हों नहीं पकड़िया जा सकता। मन नाल करन दी पूरी खुल है, पक्की खुल है, मन तक समाज दी पहुँच नहीं, मन तक संसार दी पहुँच नहीं, मन तक कानून दी पहुँच नहीं, मन तक पहुँच है अपनी या परमात्मा दी, बस दोवां दी पहुंच है, तीसरे दी कोई पहुंच नहीं। ते खुद मनुख अपना मन वेखे ना तो यकीन जानो उसके अंदर एकदम एहसास पैदा होंदा परमात्मा की वेखदा है, परमात्मा उही कुछ वेखदा जो संसार वेखदा है, तो संसार ते बाहरों वेखदा, अंदर तक संसार दी पहुंच नहीं है, अंदर तक कानून दी पहुंच नहीं है। अंतरयामी केवल परमात्मा है। तो भाई गुरदास जी कहते मैं तो कंब उठदा जब मैं पता चलता तू अंतरयामी है, और वह अंतरयामी है ऐसा ख्याल कदों पैदा होगा जब मनुख खुद अंतर मुख होके अंतर जाति मारेगा, या इंज कह लो जो अपना मन वेखदा है उन्हों ही महसूस होता है कि परमात्मा वेख रहे है, जो अपने विचारों वेखदा है उन्हों एकदम महसूस होता है निरंकार वेख रहे है, जो अपनी सोचनी नू वेखदा है उन्हों एकदम एहसास हो जाता है परमात्मा वेख रहे है। एहो मन आरसी कोई गुरमुख देखे, तो सत्संग देच जिथे हत्थां दा संजम रखना है, पैरां दा संजम रखना है, दृष्टि दा संजम रखना है, कन्नां दा संजम रखना है, बोलन दा संजम रखना है, सोचन दा भी संजम रखना है। सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम बखाणीए, रसना बोले ते एक दी गल, कन सुनन एक नो, दिमाग सोचे एक नो, मन विचारे एक नो, और संगत देच बैठन दा एक ढंग भी दस्या गुरबाणी ने। शरीरक तौर ते मैं नहीं कह रहा, शरीरक मजबूरियां हर एक दियां अलग अलग हो सकदियां, शरीरक तल दी गल नहीं, इसनू किधरे शरीरक तल ते ना लेना। साध संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा, भगत रविदास जिथे कबीर कहिंदे ने सतसंगत च जावी किसे नू नाल लेके ना जाई, सब कुछ बाहर सुट के आवी, गलत सोचनी गलत विचार वाशना सब बाहर छो रख के आवी, लाभ होवेगा।
जी सब कुछ नाल लेके आया ये आसा दीवार का कीर्तन उत्थे पहुंचेगा ही नहीं, जो नाल लेके आया ने रोक खड़ी कर देनी। उत्थे श्री रविदास कहिंदे ने साध संगत मिल रही है माधो, किस तरह जैसे मदप मखीरा, जैसे शहद दी मक्खी ही फुल ते बैठ जाती है, रस कढ़दी है, उन्हें नहीं पता किनिया मखियां आईया ते कितनिया त्रिपत होके चलिया गई, नहीं देखती, रस दे चलीन हो जाती है। मैं रात अर्ज कीती सी कि समाधि सिर्फ मनुखां दी ही नहीं लगती, समाधि पंछियां ते पशुआं दी भी लगती है। लीनता नूं समाधि कहिंदन, लीन हो जाना, फुल दे रस दे च मक्खी लीन हो जाती है, मदप मखीरा शहद दी मक्खी उहदी समाधि लग जाती है, भौंरा लीन हो जाता है उहदी समाधि लग जाती है। सतसंगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा, इस तरह बैठ ते ता ही हो सकेगा जो मनुख मन दे तल ते संजम साधे। कठिन है, कारण क्यों? एक बैरूनी अड़चना ने कुछ अंदरूनी ने, बैरूनी ते अंदरूनी अड़चन की है। भगत कबीर कहते सारा ब्रह्मंड कज्जल दी कोठड़ी है, कालख पसरी हुई है, मैल पसरी हुई है, इतनी वड्डी मैल दे अपने आप नु निर्मल रखना औखी कट है, कठिन है। जग का जल की कोठड़ी अंध परे ते समाए, दो गल्लां इत्थे कबीर ने कह दित्तियां, एक ते कोठड़ी कज्जल दी है, दूसरा कज्जल नू वेखण वालियां भी मनुख दे कोल अखां कोई नहीं, कालख नू वेख सके अख कोई नहीं, पाप नू वेख सके समझ कोई नहीं, पाप भी नहीं दिखाई देता, बल्कि पातशाह दी बाणी ते कहिंदी है पाप बुरा पापी को प्यारा, एक पापी नू पाप बड़े प्यारे लगते ने, चंगे लगते ने, पाप दे च उसनू रस आ रहा है। हुण जिहनू पाप दे च रस आ रहा है, जिहनू पाप प्यारा लग रहा है, उहनू किस तरह आख सकदे आ तू पाप दा त्याग कर, उहनू ते पाप नाल प्यार है, उहनू पाप ते चंगा लगदा है, और सिर्फ चंगा ही नहीं लगता पाप दे च उसनू रस आ रहा है, स्वाद आ रहा है, ये किस तरह त्याग करेगा? पाप पाप नहीं दिखाई देता, कालक कालक नहीं दिखाई देती, मैल मैल नहीं दिखाई देती, तो जब मैल मैल नहीं दिखाई देती तो फिर निर्मल होने का ख्याल भी नहीं पैदा होगा, और अपनी मैल इस वास्ते भी नहीं दिखाई देती, बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े है, ये भी मैं अर्ज कर दें। अखां दे उपर किताब रख दे ही है, पढ़ नहीं सकांगे, कोई थोड़ी जी दूरी चाहिए है, अखां दे उपर तस्वीर नू रख दे ही है, वेख नहीं सकांगे, थोड़ी जी दूरी चाहिए है, अपनी मैल बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े है, नहीं दिखाई देती, अपने गुनाह बहुत नेड़े ने, नहीं दिखाई देते। तो एक ते कालक दिखाई ना देवे अंधापन, ते दूजी कालक पसरी हुई होवे, तो मनुख बेदाग किस तरह रह सके? इसनू डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने अपने आलमाना ढंग नाल बयान किया है, दरमयाने कारे दरिया तख्ता बदम करदा अवी, बाजमी गोयन के दामन तरम कुन होशियार बाश। इकबाल कहिंदा ऐ खुदा निराली लीला मैं तेरी देख रहा, दरमियाने कारे दरिया तख्ता बदम करदा अमी, तू मैनू लक्कड़ दे तख्ते नाल बन दिता है ते सुट दिता है दरिया दे च, उस दरिया दे च जिस दे छल्लां ने, ते हुण उपरों मैनू आख रहे हैं तू भिजी ना, अपना दामन बचावी, अपने कपड़े गिले ना आउण देई, बचावी दरमियाने के दरिया तख्ता बदम करदा अमी, पयन के दामन तरम होशियार बास।
ऐ खुदा ये मेरे को नहीं हो सकता कि हुण मैं अपना दामन बचावां, छिट्टे ते मैनू पैण गए, इन्नियां लहरां, इतना उछाल, तूथे मैनू सुट दिता है, मैं किवें अपना दामन बचावां। पर उत्थे जो अपना दामन बचा के किनारे लग जांदे ने, बस उसे नू संत कहिंदे ने, उसे नू गुरमुख कहिंदे ने, उसे नू भगत कहिंदे ने, उसे नू ब्रह्म ज्ञानी कहिंदे ने, उही पूर्ण पुरख है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आलमाना ढंग नाल एक प्रश्न कीता है, काजरे कोठ में भई न कारी, निर्मल बरन बनेओरी। रहिंदा तू कज्जल दी कोठड़ी दे चैं, और मैं हैरान हाँ तेरे कपड़े निर्मल साफ सुथरे, तू कालख तो किस तरह बचा ले, दाग तो किस तरह बचा ले। गुस्ताखी माफ, जिस तरह अंधे नू कालख नहीं दिखाई देंदी, पापी नू अपने ते दूजियां दे पाप नहीं दिखाई देंदे, चोर नू अपनी ते दूजे दी चोरी नहीं दिखाई देंदी, जालिम नू अपना ते दूजे दा जुल्म नहीं दिखाई देंदा। मनोविज्ञानी इस नाल सहमत ने, चोटी दे जालिम नू दूजे दा जुल्म भी नहीं दिखाई देंदा, चोटी दे गुनाहगार नू दूजे दे गुनाह भी नहीं दिखाई देंदे, सहमति हो जाती, समतल बराबरी नहीं दिखाई देंदे। जब गुनाह दिखाई नहीं देंदा तो गुनाह नू धोना की, जब धब्बे दिखाई नहीं देंदे तो धब्बियां नू मिटाना की, पाप का कोई एहसास ही नहीं, पाप दिखाई नहीं देंदा, इस नू धोवे कौन, ते पाप ही ते महल है, परिये मत पापां के संग, ओ धो पे नावें के रंग। आखिर कालक है कि पाप जो मन ते पैंदी है, एक कालख एक आलूदगी वो है जो तन ते पैंदी है, कपड़े ते पैंदी है, सहजे सहजे महले आउंदे ने, एक आलूदगी ऐसी है जो सिद्धी मन ते पैंदी है। और किसी थां ते बैठ के मन ज्यादा बुरा सोचे है, समझ लेना उत्थे बुरियां तरंगा बहुत ज्यादा ने। जिथे बैठ के मन बहुत बुरा सोचे है, समझ लेना कालक बहुत है, बाहर दियां तरंगा इस नूं बहुत प्रभावित कर रही ने। जबकि गुरबाणी कहती है मन अपने ते बुरा मिटाना, बुराई नूं पहले मन दे चों कढ, तन दे तल ते ते चलो तू संजम रख लवेंगा, कानून भी है समाज भी है, तू अपने हत्थां नूं काबू रख लवेंगा, बई मैं इस हथ नाल अग नहीं लानी, कानून पकड़ेगा समाज पकड़ सकता है, मैं इस जबान नाल गलत नहीं बोलना, संसार की आखेगा, और कानून दे दायरे च भी आ सकदा कि मैं जबान नाल कवां इहदे घर नूं अग ला। पर जे मन नाल कोई करे, ना समाज नूं पता ना कानून नूं पता, पहुंच ही नहीं है, बिल्कुल खुल है। इस वास्ते इस सदी दे च अयोके युग दे च मनुख दा मन कालख नाल भर गया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते मैं हैरान हाँ इस कज्जल दी कोठड़ी दे तू अपने कपड़े निर्मल किस तरह रख ले, काजर कोठ में भई न कारी ही, निर्मल बरन बने ओरी। इतनी अपवित्रता होवे, इतनी कालक होवे, ते फिर तू बेदाग, तेरे हाथ निर्मल, तेरे पैर निर्मल, तेरी रसना निर्मल, तेरा दिल दिमाग निर्मल, तेरे हत्था ने कदी कुछ गलत नहीं कीता, तेरे पैर किसे गलत पासे नहीं चले, तेरी जबान ने कदी गलत बयानी नहीं की थी, तेरे दिमाग ने कदी गलत सोचिया नहीं, तेरे कन्ना ने कदी गलत सुनिया नहीं, ये तू अपने आप नू बेदाग रखे है ते किस तरह रखे है। काजरे कोठ में भई न कारी, निर्मल बरन बने ओरी। सतगुरु इत्थे तक नहीं रुकते, अगां कहिंदे ने मोह मलन नींद ते छुटकी, कौन अनगरो पयोरी। अनगरो कहिंदे ने बख्शिश नू, दस ते सही मैनू तेरे ते बख्शिश केड़ी हो गई है, जिस नींद दे च सारा संसार सुत्ता पिया है, तू जाग पिया, तू सुचेत हो गया। मोह मलन नींद ते छुटकी, मोह दी निंद्रा, महल भरी निंद्रा,
और जिस नाल बड़ा प्रबल मोह है वो हर वक्त याद आवेगा। जिस नाल मोह है अगर ऐसा मनुख निरंकार नूं भी याद करेगा तो जिस ते मोहित है वही उसनूं याद आवेगा, निरंकार नहीं। जिस नाल मोह है बार बार उसदे ही फुरने चलणगे। जिस नाल मोह है यादां विच ओही होवेगा। अगर संसार दा मोह है तो निरंकार नूं याद करना औख है। परिवार दा प्रबल मोह है तो करतार नूं याद करना बड़ा औख है। पदार्थां दा प्रबल मोह है तो परमात्मा नूं याद करना बड़ा औख है। कहिंदे ने कम से कम एक स्थान दे उत्ते तो इस मोह नूं एक पासे रख। मोह मलन नींद ते छुटकी कौन अनगरो भयो रे, महा मोहनी तुद ना व्यापे तेरा आलस कहां गयो रे। आलस का मतलब है जीवन मिले है इसका सही उपयोग नहीं किया, अमृत वेला आया है इसकी वरतों नहीं की, आलस। कीर्तन का प्रवाह चल रहा है इस डुबकी नहीं लाई, आलस। अगम्मी बाणी सतगुरु ने दिती इसका जप नहीं किया, आलस। मनुखा जन्म मिलिया सफल करन लई नहीं सफल कर सकया, आलस। अगर कोई मनुख महान नहीं हो सकया, कोई मनुख भगवान का रूप नहीं हो सकया, कोई मनुख अमृत वेले नूं वरत नहीं सकया, कोई मनुख गुरबाणी तो लाभ नहीं उठा सकया तो रोग की आलस। तेरा आलस कहां गयो रे। अजो के सियाणे इस नाल सहमत ने कि शुभ कर्म लई मनुख आलसी है, बाकी नहीं। बाकी सब कमां लई ए उद्यमी है। सारो दिन मजूरी करे हर सिमरन की बेला बजर सिर परे। सारा दिन भज दौड़ है, आलस नहीं, मजाले नेड़े आवे। ना तन दे तल ते आलस, ना दिमाग दे तल ते आलस। सोची जा रहा है दिमाग, कर रहा है शरीर, कोई आलस नहीं। बख्शिश भरिया समा आया, ब्रह्म मुहूर्त अलल सुबह अमृत वेला। सुत्ता ही रहेंगे। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने मोह मलन नींद ते छुटकी कौन अनगरो भयोरी, महा मोहनी तुद ना व्यापे तेरा आलस कहां गयोरी। अगर कोई इंसान होके भगवान नहीं हो सकया तो कारण इक्को ही है, आलस। जो कुछ कर सकदा सी नहीं कीता, जो समा अवसर प्रभु ने बख्शिश कीता सी उस अवसर तो लाभ नहीं उठाया। भाई प्राप्त मानुख दे होरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी एक बारी मिली। अवसर यही तेरी, अवसर यही तेरी बार, घट भी तर तू देख बिचार। एक अवसर, एक मौका। मौका क्यों गवाया? आलस। उस आलस ने उठन नहीं दिता, आलस ने जपन नहीं दिता, आलस ने पढ़न नहीं दिता, आलस ने प्रभु नु सोचन नहीं दिता। साहब कहते हैं कमाल दी गल, तेरा आलस कित्थे चला गया? तू इन्ना फुर्तीला और इतना उद्यमी है, इतना पुरुषार्थी है, है तो बहुत वड्डा उद्यम। महा मोहनी तुद ना व्यापे तेरा आलस कहां गयोरी। अगां चल के सतगुरु कहते हैं सुर नर देव असुर त्रय गुनिया सगलो भवन लिटोरी। जिस आलस ने देवी देवतावां तक नू लुट लिया। देवते तो मुराद ज्ञानी, देवी तो मुराद जिन्हों समझ है, पता है। जिथे दीवा जल गया तो सतगुरु कहिंदे ने कमाल दी गल, जिथे ज्ञानी भी लुटे गए, विचारक भी लुटे गए, दार्शनिक भी लुटे गए,
चिंतक भी लुटे गए, आलस ज्ञानिया ते भी आ गया, आलस विचार विचारकां ते भी आ गया, बड़े बड़े कवि चिंतक दार्शनिक उन्होंने भी सामने आलस की दीवार नूं तोड़न विच अपनी असमर्था जाहिर की। सुर नर देव असुर त्रय गुनिया सगलो भवन लुटेरी, तीन गुणा दे जी रहे जिहड़े मनुख ने तू ते तिन्ना ही गुणा नूं लुट लिया। रजो तमो सतो, तमो गुणी, रजो गुणी, सतो गुणी, तमो गुणी। कुछ भी कर्म नहीं, परबल आलस, लेकिन मंग बड़ी परबल। कुछ भी समझ नहीं लेकिन मंग बड़ी परबल, ते जद पूर्ति नहीं आती तो क्रोध नाल भर जाते ने। इन्हां नूं कहिंदे ने तमो गुणी। तम का मतलब है हनेरा, अंधेरे विच रहण वाले। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, बेशुमार ऐसे जीव ने जो अंधेरे विच रहिंदे ने। मच्छर ने अंधेरा पसंद है, उल्लू है अंधेरा पसंद है, चमगादड़ ने अंधेरा पसंद है, सर्प भी खास करके रात नूं ही खुड्डां चो निकलदे ने ते भ्रमण करदे ने, दिन नूं खुड्डां दे अंदर चले जांदे ने। कुछ बनस्पति ऐसी है रात नूं खिड़दी है, दिन नूं नहीं खिड़दी। हिंदुस्तान विच ऐसे फुल्लां नूं रात की रानी कहिंदे, रात नूं खिड़दी है वो बनस्पति, दिन नूं नहीं खिड़दी। इधर मैं मणिपुर आसाम दे इलाके च देखिया, ऐसे फुल ने सिर्फ रात नूं ही खिड़दे ने, जंगल विच दिन नूं नहीं। कई लोग उन्हां नूं देखण लई रात नूं जांदे ने, रात दा पहला पैर समाप्त होंदा है खिड़दे ने, दिन नूं मुरझा जांदे ने। कुछ ऐसी बनस्पति है जिसका रात दे अंधकार नाल ते तालमेल बैठता है, दिन दे चानने नाल तालमेल नहीं बैठता। कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े ने रात दे हनेरे नाल ते तालमेल बैठता है, दिन दे चानने नाल नहीं। कुछ ऐसे पंछी ने जिन्हां दा रात दे अंधकार नाल ते तालमेल बैठता है, दिन दे प्रकाश नाल नहीं। तो मैं हुण गुस्ताखी दे लई माफ़ी मंग लवां। बहुत सारे ऐसे मनुख ने जिन्हां दा रात दी तारीकी नाल ते तालमेल बैठता है, दिन दे उजाले नाल नहीं, दिन दे प्रकाश नाल नहीं। और जिन्हां जिन्हां मनुखां दा रात दी तारीकी नाल तालमेल बैठता है ते प्रफुल्लता, वह फुल दी तरह खिड़दे ने सिर्फ रात नूं, इन्हां ने ही क्लबां नूं जन्म दिता, थिएटरां नूं जन्म दिता, जुए खानियां नूं जन्म दिता, मैखानियां नूं जन्म दिता इन्हां नूं, क्योंकि इन्हां दी रौनक ही रात दी दिन दी नहीं है। और जिन्हां दा दिन दे उजाले नाल जो है तालमेल बैठे आ, इन्हां ने धार्मिक मंदिरां नूं जन्म दिता और इन्हां ने अमृत वेले की वरतों की थी, इन्हां लोगों ने। और आप सुन के हैरान होवोगे, तम संसार, साहिबा ने कह दिता है ये तो तमोगुणी संसार है, बहुगिणती तमोगुणी दी है, अंधेरे नाल तालमेल बैठता है प्रकाश नाल नहीं। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, जिन्ना जिन्ना जीवां दा अंधेरे नाल तालमेल बैठता है हानिकारक ने। ठूए का रात की तारीकी नाल तल्लुक है, रात नूं निकलदे ने, सप रात नूं निकलदे ने, शेर शिकार लई रात नूं निकलदा है, मच्छर रात नूं ही निकलदे ने, चमगादड़ रात नूं ही उड़दे ने, उल्लू रात नूं ही अपने आलणे चो निकलदा है, और फिर पंछियां दे आलणे जिथे पंछी सुते पए हुंदे ने उहनां दे मासूम बच्चे चुगदा है, उहनां दे अंडे चुगदा है, खांदा है। रात दे अंधेरे नाल जिन्हां पंछियां दा और जिस जिस पशु दा तालमेल बैठे है, दूजियां लई हानिकारक ने, नुकसानदार ने, हिंसक ने। और मनुखां बारे साहिब ते इह कह रहे ने, तम संसार अंधकार तमो गुणी। बहुते मनुखां दा भी तमो गुण नाल तालमेल बैठे है अंधेरे नाल। यही कारण है मंदिरां दी रौनक उजड़ गई, मैखानियां दी रौनक वध गई, धार्मिक मंदिरां दी रौनक खत्म हो गई, जुए खानियां दी रौनक वध गई। वो दिन लंघ गए
कि कीर्तन होवा रहन सबाई उन ते सारी रात जुआ चलता है। मैखानिया की रौनक चलती है, वैश्यालिया की रौनक चलती है, क्लब थिएटर की रौनक चलती है, धार्मिक मंदिर की गल रह गई दिन के समय अमृत वेले के समय तालमेल बैठे आ जिन्हों का रात की तारीकी नाल तो इतों गल स्पष्ट हो गई उन्होंने मन दे भी अंधेरा है बड़ा भारी, कुछ सच की समझ नहीं, कोई सच का ज्ञान नहीं, कोई बोध नहीं, आलस बड़ा प्रबल सच ले और कर्म कोई महान करने नहीं ते मंग बहुत ज्यादा ते जब उसकी पूर्ति नहीं आती तो क्रोध नाल भर जाना अति क्रोधी मनुख तमो गुणी आता है, अति त्रिशनालू मनुख तमो गुणी आता है, अति ईरखा नाल भरिया होया मनुख तमो गुणी आता है और साहब कहते ने सारा संसार तमो गुणी हो गया। साहब गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो भवन लुटेरे। ऐ आलस तू तमो गुणिया नू ते लुटिया पर कमाल दी गल तू रजो गुणिया नू भी लुट ले, तू सतो गुणिया नू भी लुट ले। रजो गुणी उद्यमी बड़े उद्यमी ने, आलस नहीं है, भज दौड़ बड़ी है पर सतगुरु इत्थे कहिंदे ने नाम जपण लई ए वी आलसी। जिन्हां दी जिंदगी च इतनी भज दौड़ है और कहिंदे ने बड़ी बिजी है लाइफ, बड़ी मसरूफ है जिंदगी, तो इसका मतलब है ये तमो गुणी ते नहीं ने, ये आलसी नहीं ने, ये दलिद्री नहीं ने, ये तो बहुत भज दौड़ पे करदे ने। जिंदगी दे च बड़ी भज दौड़ है पर भज दौड़ परमात्मा लई नहीं है, भज दौड़ गुरु लई नहीं है, भज दौड़ ईश्वर लई नहीं है। राज योगी उसनू कहिंदे ने अद्धी दौड़ भज संसार लई, अद्धी दौड़ भज निरंकार लई। तन नू भजा रहा है संसार दे मार्ग, मन नू चला रहा है निरंकार दे मार्ग। ये बाहरों राजा बने होया है, अंदरों योगी है, पर नहीं जिस पासे तन बज रहे है मन भी उस पासे जा रहे है। तो साहब इत्थे कह रहे ने रजो गुणी भी लुटे गए, सतो गुणी जो चंगा सोचते ने, चंगा लिखते ने, चंगा बोलते ने और हर पक्षों चंगियाइया का चिंतन करते ने, यह भी आलसी, यह भी अमृत वेले की वरतों नहीं करते। और इसे ही अमृत वेले की महिमा बयान करते गुरु अमरदास जी महाराज कहते ने हर अमृत वेले वत्ते का बीजया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाए। इन्नी बरकत, तो इतनी बरकत तो कोई वांझा रवे तो आलसी होर की है, तेरा आलस कहाँ गए। और इतनी बरकत रोज बरसे, इतनी बख्शिश रोज बरसे बारिश दी तरह, ते कोई वांझा रह जाए, क्यों वांझा रह गया, आलस, तेरा आलस कहाँ गए। और साहब कहते कमाल दी गल सारा जगत आलस करके सुता पे है पर तेरा आलस कित्थे चला गया, तू तो उठ बैठे है, तू तो बख्शिश का पात्र बन गया, तू तो बख्शिश अपनी झोली च पा ली। शिख सादी ने भी इस संबंध च अपने विचार बड़े कीमती व्यक्त किए ने, वो कहते हैं दुआ कुन बशब चू गदाया सोस अगर मे कुनी बादशाही बरोस। गुलिस्तान देच ये शेर मैं बड़ा प्यारा ते बड़ा कीमती लगे, भावें ये सानू तीजी ते चौथी च पढ़ाई जाती होंगी सी पठानिस्तान देच, गुलिस्तान बोस्तान पर्शियन। एक शेर जिसने बचपन देच मेरे मन में प्रभावित किया बोलिया ही नहीं, इस फकीर का दुआ कुन बशब चू गदाया सोज अगर मे कुनी बादशाही बरोज। ऐ मनुख जे तू दिन दे समय मनुखां देच बादशाहां दी तरह जीवना चाहना है
ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਗਦਾਗਰ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਗਦਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਨਤ ਹੋਵਾਂ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਾਂ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਦੁਆ ਕੁਨ ਬਾ ਸ਼ਬ ਚੂੰ ਗਦਾਇਆ ਸੋਸ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਰੋਜ਼। ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਲ ਸੁਬਾਹ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੁਬਾਹ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਤੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਗਵਾ ਛੱਡੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ, ਉਹ ਮਹੂਰਤ ਹੈ ਜਦ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਨਾਤਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੀ ਪਛੜਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਔਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ 'ਚ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰੀ 11-12 ਵਜੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 11-12 ਵਜੇ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਭਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੇ ਕਾ ਬੀਜਿਆ, ਖਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸੌਣ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਭਜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਆਲਸ, ਤੇਰਾ ਆਲਸ ਕਹਾਂ ਗਏ ਓਰੀ, ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵ ਅਸੁਰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਨੀਆ ਸਗਲੋ ਭਵਨ ਲਿਟੋਰੀ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ, ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ ਕੋਈ ਹਰਿਓ ਬੂਟ ਰਹੇ ਓਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਜਲੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਹਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਤਨੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ, ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੇ, 3-4 ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਗਾਲਬਨ 15-20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋਈਆਂ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਤੂੰ ਬਚਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਗਏ ਤੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਅੱਗ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਜਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ, ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਚੱਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਗਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਵਾ ਅਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
जो पशु पक्षियां ते मनुखां दे शरीर दे च है इनू जठर अग्नि कहिंदे ने। आखिर पता मरे बंदे की पहचान की कहिंदे हाथ पैर ठंडे हो गए, गर्मी नहीं रही, अग नहीं रही, शरीर दे च अग्नि है, सागर दे च अग्नि है, बनस्पति दे च अग्नि है। और आप दी ज्ञात लई अज करां जिथे शरीर दे च जठर अग्नि है, बनस्पति दे च दावा अग्न है, सागर दे च बड़वा अगन है, उत्थे मन दे च त्रिशना दी अगन है। ते अग दा काम की है, अगर वो प्रगट होवे तो जला के खाक कर देंदी है। त्रिशना दी अगन तमाम दैवी गुणा नू जला के खाक कर देंदी है। त्रिशनालु मनुख दे अंदर दया नहीं हो सकती, त्रिशनालु मनुख दे अंदर निर्माणता नहीं हो सकती, और त्रिशनालु मनुख दे अंदर रब्बी रस नहीं हो सकता, त्रिशनालु मनुख परोपकारी नहीं हो सकता, त्रिशनालु मनुख नू दूजे दे दुख नहीं दिखाई देणगे, दूजे दी मजबूरी नहीं दिखाई देगी। जल रहे उन्हें तमाम दैवी गुणा नू जला के हक कर दिता है। साहिब कहिंदे ने जिस अग्नि ने सारे बगीचे साड़ के सुआह कर दिते ने, तू हरा भरा रह गया किस तरह रहे हैं। इति करामात, इति करिश्मा। गालबन 5 अरब के करीब इस वक्त पृथ्वी ते कोई आबादी मनुखां दी हो चुकी है। समाधि लीन मनुख किन्ने कौन गए? स्याणे मनुख कहिंदे ने इन्हां दो हत्थां दीआं उंगलियां ते ही गिण सकदे हो, लंबी चौड़ी गणत की लोड़ नहीं, लंबा चौड़ा कोई हिसाब किताब करन दी लोड़ नहीं। सिख जगत विच गृहस्थी ते तथा कथित कहण मात्र संत भी बड़े, पर अज तक गालबन मैनू कोई 40 साल हो गए कथा करदे आ, एक हाथ दीआं उंगलियां ते ही गिने जाण वाले वो पुरश ने जिन्हां नूं समाधि लीन कहा जा सकता है। 2 करोड़ की कौम विच 5-4 बंदे होवन, ये कोई बहुत वड्डी गल नहीं है, ये तो निराशा कौन गल है। तो 5 अरब की आबादी विच कोई 100-200 मनुख होवन, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कोई बहुत वड्डी गिनती नहीं है। जो समाधि लीन है, जो हरे भरे ने, अग तो बच गए ने, व्यापक अग्नि तो बच गए ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज तदी ते कह रहे ने, ये अतकथनी नहीं, ये अति उपमा अलंकार नहीं, दावा अगन बहुत तृण जाल है। सारे बगीचे साड़ के स्वा कर दिते, सारे बूटे साड़ के जिस अग्नि ने स्वा कर दिते, कोई हरे वो बूट रह, कोई कद हरा भरा, उदे कोल रस है और उसदे कोल ज्ञान दे फुल ने, उदे कोल नाम दा फल है, फल भी लगे ने, फुल भी लगे ने, हरियावल भी है, कोई हरे वो बूट रहे हो री। और मैं अर्ज करें ये हरियावली जिसनों किधरे नसीब हो जाए सदा हरी रहती है, ये खिजान दे च नहीं बदलती। कबीर ऐसा बीज बोए 12 मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंछी केल करंत। तो साहब कहते ना कोई हरे वो बूट रहे हो री, कमाल दी गल, कज्जड़ दी कोठड़ी दे तू निर्मल लै गए, ते व्यापक अग्नि दे तू जलिया नहीं। जिस आलस ने अमृत वेले सारियां नू सुला के रखे होया है, आम कहिंदे ना कल युग वापर जांदा, कुछ भी नहीं, आलस वापर जांदा है और कुछ नहीं, आलस ही कल युग है, नहीं उठण देंदा। जिस आलस ने सारे जगत नू अमृत वेले नहीं उठण देता, तू किस तरह उठे है? जिस अग्नि ने सारे बगीचे साड़ के स्वा कर दिते ने, तू हरा भरा किस तरह रहे है? और जिस कज्जल दी कोठड़ी दे सारे ही काले हो गए ने, तू निर्मल किस तरह रह गए? तू बेदाग किस तरह रह गए? तेरे हाथ साफ, तेरे पैर साफ, तेरा दिल दिमाग साफ, इतना सुथरा तो रह गए? काजर कोठ में भई न कारी, निर्मल बरन बने ओरी। इथे तक ते प्रश्न है,
अगों जवाब है एक ही पंक्ति च। गुरु अर्जन देव जी महाराज का वाक है, कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई, प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाई। एक बख्शिश हो गई, सत्संग मिल गया और उत्थे सुरत जुड़ गई। ये कृपा उस अकाल पुरख दी और ये जो निर्मलता है उसकी देन, उसकी बख्शिश प्रतीत हो रही है। मैनू अपना उद्दम नहीं पर इतना उद्दम तो है कि जगत सारा सुत्ता पे उठ बैठा, इतना उद्दम तो है कि कालक दिखाई दे रही है। मैं अर्ज करा अंधे नू कालक नहीं दिखाई देंदी और गुनाहां दे च अंधे मनुख नू गुनाह नहीं दिखाई देंदे, पाप नहीं दिखाई देंदे। साहब कहते हैं पाप बुरा पापी को प्यारा, वो तो पापी नू प्यारा लगता है, चंगा लगता है, गुनाह दे च उसनू लिज्जत मिलती है। एक आलम उस्ताद जौक दा कहना है, वो कौन है जिन्हें तौबा की मिल गई फुरसत। कहिंदा मैं हैरान हाँ, गुनाहां तो तौबा पिया करदा। वो कौन है जिन्हें तौबा की मिल गई फुरसत, यहां गुनाह करने को भी जिंदगी कम है। कहिंदा मैं तो देखदा पिया जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत सारे गुनाह करने सन, मैं कर नहीं सकता, बुढ़ा हो गया, जीप हो गया, मैं तो अजे होर बथेरा कुछ करना सी, बड़े अनर्थ करने सन। कहना मैं हैरान हाँ एक किड़े बंदे ने जिन्होंने तौबा कर ली गुनाह तो। वो कौन है जिन्हें तौबा की मिल गई फुरसत, इतना समा कर लिया तौबा ले, इतना वक्त कर लिया संजम कर लिया, इतना वक्त कर लिया बंदगी ले। वो कौन है जिन्हें तौबा की मिल गई फुरसत, यहां गुनाह करने को भी जिंदगी कम है। हे प्रभु बहुत छोटी जिंदगी है ते इतने सारे मैं गुनाह करने ने किवें करा। ये तो करिश्मा है कि इस जिंदगी दे छोटी जी जिंदगी दे इतनी वड्डी कालक गुनाह भरे संसार दे कोई मनुख तौबा लई फुरसत कढ़ लवे, कोई मनुख अपने आप नूं बेदाग रख लवे। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई, प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाई। करो जतन जे होए मेहरवाना, तो सतगुरु की बाणी कहती है ऐसा यतन करो, ऐसी प्रार्थना करो बख्शिश झोली दिच पै जाए ताकि आलस की निंद्रा एक पासे हो जाए और अमृत वेले का उपयोग हो सके और उसकी बख्शिश दे सी पात्र बन सकी है। कज्जल दी कोठड़ी दे च बेदाग रह सकीए, निर्मल रह सकीए, पावन हो सकीए, कालक जो है धुल सकती है, क्योंकि साहिबा ने साफ कह दिता है भरिए मत पा पंके संग ओ धोपे नावें के रंग। कालक धुल सकती है, मायूसी लई जो है गुंजाइश नहीं है, मायूस होने की लोड़ नहीं है। ये कालक ये धब्बे धुल सकते ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शिश करन, जीवन दे अंत तो पहले पहले असी निर्मल हो जाइए, पावन हो जाइए, ताकि प्रभु नू कबूल हो जाइए। इतने शब्द सुख प्रवान करने। फिर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दियां कुछ लड़ीवार विचार आप जी दे सामने समय दे अनुकूल रखने की कोशिश करांगे। अज इतनी विचार सारिआं दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद, बड़े टिकाऊ नाल आपने सरवण किया, दास की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।